तो भाइयों भैया आप लोग कैसे हो। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिएक्शन 2.0 में। तो खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार आ गए हैं अपनी एक और नई मूवी के साथ, जिसका नाम है अतरंगी रे। और आज हम लोग फिर करेंगे एक और मूवी का रिव्यू अतरंगी रे का, जो कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है। इसको मुख्य किरदार में अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान देखने को मिलेंगे। और इसको डायरेक्ट किया है आनंद एल राय ने, जो कि शाहरुख खान की जीरो मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो भैया अक्षय कुमार का क्या ही कहना है, वो इस साल अपनी तीसरी फिल्म में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, पहले नज़र आए थे वो बेल बॉटम में, उसके बाद वो सूर्यवंशी, और अब है अतरंगी रे। और इसके बाद जल्दी देखने को मिलेंगे आप सब लोगों को पृथ्वीराज में। ये मूवी लव ट्रायंगल के ऊपर कहीं ना कहीं टकराती रहती है, और आपने अगर वैसी मूवियाँ पहले भी देख रखी होंगी, लेकिन ये मूवी थोड़ी हटके है। इसमें थोड़ा उलझा हुआ लव ट्रायंगल दिखाया गया है। पूरी स्टोरी सारा अली खान के कंधों के ऊपर रखी गई है, जो इसके अंदर किरदार निभा रही है रिंकू का, जो कि एक बिहार की रहने वाली लड़की है। सारा अली खान यानी कि रिंकू, जो कि एक जादूगर से बहुत प्यार करती है, जो होता है मुसलमान, उसका नाम है सच्चा अली, और इसका किरदार निभा रहे हैं अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार मुसलमान का किरदार निभा रहे हैं, इसकी वजह से दोनों के, सारा अली खान यानी कि रिंकू की फैमिली शादी नहीं है, अक्षय कुमार से शादी हो तो वो उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी और के साथ कर देते हैं। बिहार में ऐसा चलता है कि जहाँ जबरिया शादी चलती थी, और इसके ऊपर हम लोग सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी भी देख चुके हैं, जबरिया जोड़ी। तो यहाँ पे ये मूवी बिहार की चल रही घटनाओं को भी दर्शाने की कोशिश करती है कि कैसे किसी दुबला को मंडप से उठाकर ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है, किडनैप करके दुबला की। तो ये मूवी यहाँ पर भी एक अदृश्य सीन दिखाती है। तो सारा अली खान की शादी विशु नाम के लड़के से कर दी जाती है, जो कि ज़बरदस्ती शादी होती है। और विशु एक बहुत ही अच्छा सीधा साधा लड़का है, और पेशे से वो डॉक्टर है, जो बहुत अच्छा इंसान भी है। तो यहीं से मूवी का लव एंगल क्रिएट कर दिया जाता है। ये मूवी बहुत ही अच्छी है तरीके से दिखाया गया है लव एंगल को, और बहुत ही रोमांटिक स्टोरी लग रही है। मूवी इसी पर रिवॉल्व करती रहती है, अब एंड में लड़की किसको मिलेगी, किसके साथ उसकी शादी होगी, इसके लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। हमने बिना क्लाइमेक्स बताए आपको मूवी का मेन प्लॉट बता दिया है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगेगी मूवी। अब बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में, इसे किसने यूज़र्स ने पसंद किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट्स के बारे में। मूवी के अंदर एक्टिंग सभी किरदारों ने बहुत अच्छी करी है। सारा अली खान ने अपना रोल पूरी परफेक्शन के साथ किया है। धनुष हमेशा अपने रोल में एनर्जेटिक नज़र आते हैं। अक्षय कुमार का जो पूरी मूवी में ज़बरदस्त रोल है, लेकिन जो उन्होंने एंड में क्लाइमैक्स के अंदर अपनी एक्टिंग करी है, उसका कोई लाजवाब नहीं, बहुत ही लाजवाब एक्टिंग करते हैं। म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं। इरशाद कामिल के लिरिक्स हर एक गाने के बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और AR रहमान का म्यूज़िक कंपोजिशन बहुत ही अच्छा है। AR रहमान के गाने कभी आपको निराश नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इस मूवी के ड्रॉबैक्स के बारे में। मूवी के अंदर कॉमेडी सीन दिए गए हैं जगह जगह पब्लिक को हंसाने के लिए, पर वो आपको हंसाने में नाकाम रहेंगे। सेकंड हाफ शुरुआत के 30 मिनट थोड़े वीक है, जहां ऑडियंस बोर होने लगती है। मूवी थोड़ी बड़ी है, मेरे हिसाब से मूवी को 20 मिनट ट्रिम करना चाहिए था, जो कि 20 मिनट मूवी छोटी होती तो ऑडियंस थोड़ा और इन्जॉय कर पाती। इंटरवल के बाद मूवी थोड़ी प्रडिक्टेबल स्टोरी हो जाती है, पता लगाया जा सकता है कि अब क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी क्लाइमैक्स थोड़ा डायरेक्टर ने घुमा के रखा है। तो मैं अपनी तरफ से इस मूवी को रेटिंग देता हूँ 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ओवरऑल ये आप लोग मूवी अपने फैमिली के साथ बैठ कर एंजॉय कर सकते हो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर, और आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। ये मूवी बाकी की लव स्टोरी जैसे लव आजकल 2 या हैरी मेट सेजल से अलग है, और आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हम वही पुरानी बॉलीवुड की लव स्टोरी देख रहे हैं, आपको देखने में मज़ा आए। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और अपना प्यार बांटिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं अपनी मूवी के एक और रिव्यू के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।